वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड वेलकम टू ऑल इंपोर्ट। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप सब? तो इट्स आर फ्राइडे शो, वी आर डूइंग इट ऑन सैटरडे। समटाइम्स आई फील गुड ऑल्सो कि द स्टूडेंट्स दोज आर वर्किंग दे आर ऑल्सो एबल टू ज्वाइन इफ वी आर डूइंग द शो ऑन सैटरडेज और संडेज। बट शेड्यूल्ड जो टाइमिंग है दैट इज फ्राइडे एट 10 AM कॉल्ड जे जीनियस आर वीकली करेंट अफेयर शो इट इज राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 10th ऑफ जून से लेकर 18th ऑफ जून तक का। अप्रोक्सीमेटली 75 टू 80 क्वेश्चंस हैं, 75 से ज्यादा ही होंगे। सो वी विल बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस टू बी डिस्कस टुडे फॉर 10th टू 18th ऑफ जून। जी, बिल्कुल। दो इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर लेते हैं। पहले तो मिल्खा सिंह सर पास्ड अवे, तो बहुत श्रद्धांजलि, आत्मीय श्रद्धांजलि हम सबकी तरफ से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ही मे स्टे इन पीस। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक। दूसरी चीज, मेरा शॉर्ट कोर्स आ रहा है, दैट इज यूनियन बजट। बजट नेम इज ट्रांस द बजट एंड इट विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम 23rd of June। 23 जून से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट बजट विथ ईच एंड एवरी अपडेट इन बजट वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर। इट विल बी फ्री फॉर ईच एंड एवरी एज स्टूडेंट, एज सब्सक्राइबर। जो एज वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। सो इट नॉट फ्री एक्चुअली, इट्स द पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दोज आर द एज स्टूडेंट्स। बाकी बैचेस वाले, और इफ यू फील दैट नो आई वॉन्ट टू बाय ओनली वन कोर्स ऑफ आदित्य सर, आई डोंट वॉन्ट टू बाय द कंप्लीट पैकेज, आई वॉन्ट टू बाय जस्ट वन कोर्स ऑफ आदित्य सर, देर विल बी ऑप्शन। एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव यू द डिटेल रिलेटेड टू द ऑप्शन। इफ यू वॉन्ट टू बाय सिंगल कोर्स, हाउ यू विल बी एबल टू बाय इट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सेशन को, जी स्टार्ट करेंगे सेशन को एमसीक्यूज के साथ। और हाँ, मैंने हेयर कट करवा लिया है, भैया को बोला था मैंने कि थोड़ा कम कट करना, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट मत करना, पर वो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते 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 ये हालत बची हुई है, ठीक। ऑल बोर्ड साइट चल रही है, आप इसमें खोलिएगा उसको, जो अपना सिक्योर वर्जन होता है ना, सिक्योर वर्जन में ओपन करके देखिएगा, ऑल बोर्ड का साइट चल रहा है। चलिए सेशन पे मूव कर रहा हूं मैं, और वो वर्क कर रहे हैं उस पर काम, वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है। इट इज अंडर प्रोसेस, फ्यू चेंजेस आर गोइंग ऑन द वेबसाइट, सो इट विल बी सेटल्ड टुडे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया। एचएसबीसी इंडिया के सीईओ, इनमें से कौन अपॉइंट हुए हैं? डोंट बी वरी अबाउट द वेबसाइट गाइज, डोंट बी वरी अबाउट द वेबसाइट। एज पर स्टार्ट हो जाएंगी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस, डोंट वरी, विद इन अ वीक और टू वीक। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इज अ फॉरेन बैंक वर्किंग इन इंडिया, हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन लंडन। हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है? लंडन में है। मिस्टर हितेंद्र दवे हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया, व्हाइल अदर नेम्स आर विक्रमजीत सेन सर, विक्रमजीत सेन, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन, ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन नया नाम हो गया है। मिस्टर जेबी महोपात्रा अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी, पीसी मोदी सर को इन्होंने रिप्लेस किया। मिस्टर एम आर कुमार चेयरमैन ऑफ LIC रीअपॉइंट हुए हैं। विश्वेश्वर आहूजा सर द सीईओ, एमडी एंड सीईओ ऑफ RBL बैंक। नेक्स्ट वन, मिस्टर चंद्रशेखर घोष रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, तीन वर्ष के लिए फिर से मिस्टर चंद्रशेखर घोष जी को रीअपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है आपके पास बंधन बैंक, बंधन बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए मिस्टर चंद्रशेखर घोष।
वापस से रिवाइज कर ले थोड़ा क्विकली। आईसीआईसीआई बैंक चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी सर रिसेंटली गॉट रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। मिस्टर एम आर कुमार ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, मिस्टर एम आर कुमार एलआईसी के चेयरपर्सन थे, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ एलआईसी गॉट रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑन द चेयरपर्सन पोजिशन। मिस्टर उदय कोटक, मिस्टर उदय कोटक रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। And Vishweshwar Ahuja, already we have discussed about the RBL Bank. Headquarter of Bandhan Bank is located in Kolkata, West Bengal. 2001, the bank was founded. Next one. Who assumed charge as the Director General of Naval Operation? Aisa lag raha hai, pure appointment wale hain. But that is aisa nahi hai. There are lots of different questions also in the session. Not each question is related to the appointment. But I thought that we will discuss them. Almost all the questions together related to the appointment, so it will be easy to remind, revise again and again. Who assumed as the Director General of Naval Operation? Naval Operation ke Director General kaun appoint hue hain sir? Option number A kafi log bol rahe hain, Ravneet Singh sir kafi log bol rahe hain, confusion hai, answer bata deta hun. Rajesh Pandekar sir, General, Director General of Naval Operation. While Ravneet Singh sir, जिस पर confuse हो रहे हैं थोड़ा बहुत कि Ravneet Singh sir जो हैं, Ravneet Singh sir appointed as the deputy chief of naval staff. याद रखेंगे Ravneet Singh sir appointed as the deputy chief of naval staff and Rajesh Pandekar sir appointed as the director general of naval operation. Who is the navy chief of India at present? अभी वर्तमान में भारत के navy chief कौन है? करंट में एडमिरल कौन है उनका नाम बताइएगा आप लोग, ठीक है? बाकी के नाम डिस्कस कर लेते हैं। विवेक राम चौधरी सर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है हमारे, एयर चीफ मार्शल आरएसके भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया सर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए। एडमिरल कौन है? करमवीर सिंह सर है। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर टू मोर ईयर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 22nd of June 2021। किसको रीअपॉइंट किया गया है ऑन द पोजिशन ऑफ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर की पोजिशन पे हु हैज गॉट रीअपॉइंटेड? गाइस क्विक आंसर, एम के जैन सर। परफेक्ट, करेक्ट आंसर है एम के जैन सर। अभी करंट में अगर हम डिप्यूटी गवर्नर्स की बात करें तो एम के जैन सर, माइकल देव पात्रा सर, एम राजेश्वर राव सर एंड टी रविशंकर सर। रिमेंबर दैट ऑन ईच नेम आई वॉज यूजिंग सर वर्ड इन द लास्ट रीजन इन इंटरव्यूज यू गाइज आर डूइंग दिस मिस्टेक। दे आर आस्किंग यू हु आर द करेंट डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट एंड वॉट वी आर डूइंग एज एन एस्पिरेंट कैंडिडेट ऑफ इंटरव्यू वी आर गिविंग द आंसर। समवन सर, समवन जैन, एम के जैन आई थिंक, समवन माइकल देव समथिंग पात्रा एंड एम राजेश्वर राव एंड रविशंकर, टी रविशंकर। वी आर गिविंग आंसर लाइक दिस, इफ यू वॉन्ट टू गिव द आंसर गिव कंप्लीट रिस्पेक्ट। वी आर टेकिंग द नेम ऑफ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबी, अंडरस्टैंड? बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लेना चाहिए आप लोगों को, डिप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है? चलिए जी, मिस्टर लगाएं, सर लगाएं, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू नो दैट हाउ टू गिव द रिस्पेक्ट, राइट? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हुज बीन अपॉइंटेड, करेक्ट आंसर इज अनूप चंद्र पांडे सर। इलेक्शन कमीशन इन इंडिया डिफाइंड अंडर आर्टिकल नंबर 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 324 में आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो डिफाइन है, इलेक्शन कमीशन डिफाइन है। मिस्टर सुशील चंद्रा इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। द सेकंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज मिस्टर राजीव कुमार, अदर इलेक्शन कमिश्नर इज मिस्टर राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन वॉज फाउंडेड ऑन 25th of January 1950 एंड द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज मिस्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाँ, चेलम सर नहीं हुए अपॉइंट, सुकुमार सेन सर थे पहले और अभी पांडे सर हुए हैं, हाँ। चलिए नेक्स्ट,
Which of the following country has signed an executive order banning the country entity investing in 59 Chinese companies? किस देश ने अपने देश के वित्तीय संस्थानों को रोक लिया कि आप इन 59 चाइनीज कंपनीज में अपना पैसा निवेश नहीं कर सकते? यू कांट इन्वेस्ट योर मनी इन दीज 59 कंपनीज. सो दिस इज द होल्ड प्लेस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू अमेरिका ऑन 3rd of June. नेक्स्ट वन, What is the rank of Indians in 17 Sustainable Development Goals adopted as 2030 agenda according to the State India's Environment Report 2021? भारत का क्या रैंकिंग है Sustainable Development Goal Index के मामले में? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? 117. चलिए दो क्वेश्चन और पूछूंगा. If I'm talking about the report on Sustainable Development Goals issues by नीति आयोग, अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करता हूं जो नीति आयोग ने इश्यू की है, then we are talking about the states. I want to know the name of only two state. One, the state is on top. Second, the state is on bottom. तो बताइएगा quickly ना, which state is on top in this index, which state is on bottom in this index? India का रैंक है 117, ठीक. Which state is on top in this index? बफरिंग हो रहा है, मैं कैम ऑफ कर लेता हूं. आई जस्ट स्विच ऑफ द कैम, डोंट वरी. कैम ऑफ कर लूंगा, बफरिंग का इश्यू ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. अभी नहीं होगा बफरिंग. हाँ, अभी नहीं होगा बफरिंग, डोंट वरी. ओके, विच स्टेट इज ऑन टॉप? या केरला इज ऑन टॉप, नॉट कर्नाटका. केरला इज ऑन टॉप एंड बिहार इज एट बॉटम. बिहार इज एट बॉटम. सो केरला इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स, बिहार इज एट बॉटम इन दिस इंडेक्स. ठीक है, नेक्स्ट वन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर? वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर के रूप में हाल ही में सर किसे अपॉइंट किया गया है? वर्ल्ड बैंक की फटाफट से क्विकली बात कर लेता हूं गाइस. वर्ल्ड बैंक वॉज फाउंडेड ऑन 27 दिसंबर 1945. वर्ल्ड बैंक वॉज फाउंडेड, इट वॉज इनिशियली फाउंडेड विद 29 members and at present there are 189 members under World Bank. 189 members are there in World Bank. 189th member of World Bank is Norow. Norow is the 189th member of World Bank. And Mr. David Malpass is the president of World Bank. Carmen Reinhart is the VP, is the Vice President of World Bank, President of World Bank, Vice President of World Bank. Anshula Kant Mem is the Chief Financial Officer of World Bank. And I want to know the name, one more name. Who is the country head of World Bank to India? Who is the country head of World Bank to India? Har ek point revise ho jaye bahut quick form mein. Pehle to answer dekh lein. Pehle answer dekh lijiyega. Answer hai रंजीत सिंह डिसाले सर. रंजीत सिंह डिसाले सर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल टीचर अवार्ड इन द ईयर 2020 में ऑनर किया गया था इनको. ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कंट्री हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया. तो कंट्री हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, हु इज वर्किंग ऑन दिस पोजिशन? मिस्टर जुनैद अहमद. वेरी गुड गाइज, मिस्टर जुनैद अहमद इज वर्किंग ऑन दिस पोजिशन. तो जुनैद अहमद सर इज द कंट्री हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया. क्लियर है? स्क्रीन पर आने की कोशिश करता हूं एक बार, अगर बफरिंग का कोई इश्यू हो तो बताते हुए चलना आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. और कोई डाउट हो रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक यू कैन आस्क. रिमेंबर IMF में 190 मेंबर्स हैं एंड वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर्स हैं अभी करेंट में. यूजुअली सेम होते थे बट अभी करेंट में चेंज है. IMF में 190 मेंबर्स हैं. 190th member of IMF is Andorra, Principality of Andorra, Andorra की रियासत. While World Bank का जो member है 189th, उसका नाम है Norow. ठीक है, Who among the following won Nature TTL Photographer of the Year Award? Correct answer is Thomas Vigen. Thomas Vigen sir has been honored with this one. So the world is going upside down. This was the image. तो इस इमेज के लिए इनको TTL वर्ल्ड लीडिंग फोटोग्राफी रिसोर्स अवार्ड से सम्मानित
किया गया है। अभी गीता मित्तल जी की बात करें तो अर्लाइन पच अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। गीता मित्तल जी को अर्लाइन पच अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अर्लाइन पच अवार्ड, राइट, अर्लाइन पच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिस्टर साजी एन एम, इनको कहा जाता है ट्यूबर मैन ऑफ इंडिया, ही इज नोन एज ट्यूबर मैन ऑफ इंडिया। इंडिया ब्रॉड, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 से ऑनर है, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 से ऑनर है। सुरेश मुकुंद सर जो है इनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2021 दिया गया, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2021 दिया गया। तो ये आपके बाकी के इंपॉर्टेंट नाम हो गए सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट इज ऑन टॉप इन द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ 100 द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। करेक्ट आंसर है आईएएससी बेंगलुरु इज ऑन टॉप, आईएएससी बेंगलुरु इज ऑन 37th पोजीशन अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड एंड टॉप फ्रॉम इंडिया। थ्री यूनिवर्सिटीज मेड नेम इन द फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। That three universities are IISc Bangalore, IIT Roorkee and IIT Indore. IIT Indore position is 78th. Next question. Which university gained the first position in Asia University Ranking 2021? Asia की बात हो रही है, याद रखिएगा, Asia University Ranking 2021 में कौन सा university टॉप पर था? तो करेक्ट आंसर है आपके पास, करेक्ट आंसर है आपके पास Tsinghua University China, Tsinghua University China। Then after that, Peking University, China, National University, Singapore, Hong Kong University of Hong Kong। तो ये सारे आपके पास टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम यहां पर आ गए आपके पास, ठीक है, टॉप फोर यूनिवर्सिटीज जो एशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। F1 किसने जीता है सर? F1 रेस जो है 2021 का, दैट इज अजरबैजान, अजरबैजान F1 फॉर्मूला 1 रेस won by whom? तो अभी तक के जितने भी हमारे F1 races हुए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं आराम से। So F1 race won by whom? Recent one, आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। चलिए आंसर्स आए, ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यस, सर्जियो, सर्जियो पेरेज, सर्जियो पेरेज इज द विनर। टोटल 6 अभी तक कंडक्ट हुए हैं, बहरान, आफ्टर दैट पोर्तुगीज एंड स्पेनिश, बहरान, पोर्तुगीज, स्पेनिश, वॉन बाय लुइस, वॉन बाय लुइस, रोमैग्ना F1, रोमैग्ना F1 एंड मोनाको वॉन बाय मैक्स, वॉन बाय मैक्स, एंड अजरबैजान वॉन बाय सर्जियो, अजरबैजान वॉन बाय सर्जियो, क्लियर? यस यस यस, मैक्सिकन सर्जियो, यस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, अब्दुल्ला शाहिद हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद? इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अब्दुल्ला शाहिद इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो करेक्ट आंसर है आपके पास मालदीव, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव, ओके। वन मोर नेम गाइज, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन मोर नेम। मिस्टर अब्दुल्ला शाहिद सर हैज अपॉइंटेड हिज चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम इंडिया, हिज चीफ सेक्रेटरी हु हैज बीन अपॉइंटेड, दैट पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड फ्रॉम इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? उनका नाम बताइए, मैं देखना चाहता हूं किसको याद है वो नाम। Who has been appointed as the Chief Secretary of Abdullah Shahid or Chief Secretary of UN General Assembly that is appointed from India? Who is that person? Nagaraj Naidu, yes. Yes, yes. Nagarjun nahi hai, Nagaraj Naidu sir hai, yes. Haan. करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नागराज नायडू, करेक्ट है, ठीक है। नागराज नायडू सर, नागेश्वर रेड्डी सर में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से सुन लो मेरी बात,
नागराज नायडू सर जो हैं और नागेश्वर रेड्डी सर जो हैं इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी सर जो हैं इनको अभी रिसेंट में अवार्ड दिया गया था, ये आपके चीफ ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हैं, इनको जो अभी वर्ल्ड में इनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया, अवार्ड था गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। रूडोल्फ स्नाइडर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, मैं अवार्ड का नाम भूल गया था, रूडोल्फ स्नाइडर अवार्ड से भी इनको हाल ही में सम्मानित किया गया। पॉइंट क्लियर है? तो ये दोनों में डिफरेंस रखिएगा। यस जी सौरभ, इन सेशंस का पीडीएफ नहीं मिलता है, ये जो मेरा जीए जीनियस सेशन है इसका पीडीएफ नहीं मिलता है। वाइल आई एम टेकिंग टीएनए मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे जो मेरा टीएनए होता है डेली करंट अफेयर शो मॉर्निंग 8 o'clock, उनके पीडीएफ आपको मिल जाते हैं सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाटर बरियल हैज बैग्ड द बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021, विच स्टेट मूवी इट इज, विच स्टेट मूवी इट इज, किस स्टेट का मूवी है ये? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ये कलर चेंज करने में दिक्कत हुआ है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इट इज द मूवी ऑफ विच स्टेट, अरुणाचल प्रदेश का मूवी है ये, याद रखिएगा, कलर चेंजिंग में प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। सो इट इज द मूवी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द मूवी इज बेस्ड ऑन द डार्क रिचुअल्स ऑफ द लोकल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वॉटर बरियल इज द नेम ऑफ मूवी, प्रोड्यूस्ड बाय AM टेलीविजन। पॉइंट क्लियर है जी। नेक्स्ट वन, G7 has recently signed minimum global corporate tax. Which country is hosting G7 47th summit of 2021? Or simple, G7 ka summit 2021 hosted by which of the following country? Second question will be that minimum global corporate tax announced by the G7 countries, how much percent tax has been announced as minimum global corporate tax? कितना टैक्स अनाउंस किया है मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में? ये सेकंड क्वेश्चन बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। पहले तो यूके आंसर कर रहे हैं काफी लोग, 15%। ओके, वेरी गुड, आई गॉट बोथ द आंसर्स, यूके इज करेक्ट। सो 47th जो G7 का मीटिंग हुआ, that was conducted by United Kingdom, and the minimum global corporate tax which has been announced by the G7 countries, which will be applicable on these types of companies, the companies which are working virtually in any country, they are not holding their offices or their headquarters, they are not paying taxes. Now at least 15% tax they have to pay, they are running their business inside any country directly or indirectly, तो 15% का minimum tax देना होगा। Next है 48th G7 summit of the year 2022 will be hosted by which country? तो 48th summit कौन करेगा? अभी आपको पता है UK ने 2021 का किया है, UK ने 2021 का किया है, so definitely UK is not going to host it. So which country will host 48th G7 summit of the year 2022? 2022 का host करेगा कौन? Germany. अब note कर ले point, 2021 UK, 2022 Germany, 2023 Japan, 2024 Italy. तो ये हो गए आपके किसके समिट्स? G7 के समिट, ठीक है, G7 के समिट। अभी मैं क्विकली बात करूं G20 समिट्स की। सो गाइज, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द G20 समिट ऑफ द ईयर 2021? बस हम यही चार कवर करते हैं, 2021, 2022, 2023। तो 21 विल बी होस्टेड बाय Italy, 21 will be hosted by Italy, 22 will be hosted by Indonesia, ठीक है, 2023 will be hosted by India, yes, so remember III, Italy, Indonesia and India, are going to host the next three summits. Usually 23 तक कहीं पूछ सकता है, इंडिया वाला इंपॉर्टेंट है, 23 इज इंपॉर्टेंट, बफरिंग का इश्यू हुआ क्या थोड़ा बहुत, 2023 वाला इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक बता देता हूं बहुत जल्दी से, क्विकली ट्रिक बता देता हूं, स्क्रीन से गायब हो जाता हूं, ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को।
कि G7 और G20 कैसे याद रखोगे. ऑल्दो आई हैव शेयर द लिस्ट मल्टीपल टाइम शेयरिंग वन मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ यू. जी यू आर यू गुरु जी सीता. गुरु जी सीता जो है ना SSC FCI में जॉब करने लगी है. सो गुरुजी सीता SSC FCI में जॉब करने लगी है. एंड इट जी स्टैंड्स फॉर जर्मनी USA रशिया UK. जर्मनी USA रशिया UK जापान इंडिया साउथ अफ्रीका ऑल थ्री बिलोंग्स टू साउथ. इट इज साउथ 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 एंड साउथ ऑल थ्री टाइम एस बिलोंग्स टू साउथ. सो साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया सऊदी अरेबिया इंडिया इंडोनेशिया इटली इंडिया इंडोनेशिया इटली टर्की ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना ब्राजील टर्की ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना ब्राजील. आफ्टर दैट चाइना फ्रांस कैनेडा इटली मैक्सिको एंड लास्ट इज यूरोपियन यूनियन. और यहीं से बनेगा आपका जी यहीं से बनेगा आपका G8 एंड G7. गुरु जी एफ सी आई दिस इज G8 सस्पेंड रशिया फ्रॉम हियर सो आंसर विल बी G7. तो ये आपका ट्रिक हो गया G7 को याद रखने का या फिर G20 को याद रखने का. इजीली आप सारे मेंबर्स याद रख सकते हैं. कंफ्यूजन G7 G20 में बहुत ज्यादा कई बार होता है. लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन समटाइम इन G7 एंड G20. सो रिवाइज देम टुगेदर गाइस. नेक्स्ट वन गाइस कैन प्लीज समवन शेयर माय टेलीग्राम आईडी विथ इन दिस चैट सो मैम वांट टू कनेक्ट विथ मी. Please, any of my student, please share the Telegram ID of mine here. Next question. Which of the following country has become the first country to formally adopt Bitcoin as a legal tender? First country to adopt Bitcoin as a legal tender. Correct answer is El Salvador. And this country recently approached to the World Bank for the implementation of Bitcoin as a legal tender. बट वर्ल्ड बैंक रिजेक्टेड दिस पील. वर्ल्ड बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है. जी हाँ वर्ल्ड बैंक ने रिजेक्ट कर दिया दैट नो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट. विच कंट्री ट्रेडर्स हैव बेनिफिटेड मोस्ट इन द बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन इन द ईयर 2020. 2020 की अगर बात करें 2020 की अगर बात करें तो इस दौरान किस देश के जो इन्वेस्टर्स हैं दे गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट. दे गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट इन बाय द इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन. सो करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA फॉलोड बाय चाइना एंड द पोजीशन ऑफ इंडिया इज 18. तो 18th नंबर पर इंडिया रहा है इन द प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इन द बिटकॉइंस. ठीक है. चलिए स्क्रीन पर आने की कोशिश करता हूं वापस से. अच्छा मुझको भी नहीं लगता बैकग्राउंड पर रहकर क्लास लेते रहना. नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड रिसेंटली साइंड MOU विथ विच बैंक टू प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर. तो कर्नाटका औद्योगिकी क्षेत्र विकास बोर्ड ने हाल ही में किस बैंक के साथ MOU पर साइन किए ताकि इनके ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं दी जा सकें. तो करेक्ट आंसर है HDFC. किस बैंक के साथ टाई अप किया है? HDFC के साथ रिसेंटली टाई अप किया है. ठीक है. अच्छा HDFC पर कितना फाइन रिसेंटली RBI ने इंपोज किया? हाउ मच फाइन इंपोज्ड बाय RBI ऑन HDFC बैंक? हाउ मच फाइन एंड फॉर विच पर्पस दिस फाइन वॉज इंपोज्ड? दो क्वेश्चन बनेंगे आपके. हाउ मच फाइन हैज बीन इंपोज्ड एंड फॉर विच पर्पस द फाइन हैज बीन इंपोज्ड. ठीक वेट कर रहा हूं आंसर का. 10 करोड़ है. ओके 2 करोड़ SBI वाला है. 10 करोड़ करेक्ट है. 10 करोड़ करेक्ट है. पर्पस और बताएं व्हाट वाज द पर्पस? व्हाट मिस्टेक HDFC बैंक हैज डन? नो फॉर कमीशन वाला SBI का है. कमीशन वाला SBI का था. दैट वाज बिलोंग्स टू SBI. पर्पस भूल गए हैं. ऑटो लोन लिखा है स्माइली ने. करेक्ट है. ऑटो लोन से रिलेटेड कोई फॉल्ट हुआ था HDFC में. दैट इज वाई द 10 करोड़ रुपी. यस ऑटो लोन से रिलेटेड कोई इशू था. दैट इज वाई 10 करोड़ रुपी. सो ऑटो लोन 10 करोड़ HDFC इंपोज्ड बाय RBI. सिंगल लाइन में याद रखेंगे. नेक्स्ट वन ICC ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023 विल बी भारत पे. तो भारत पे को ऑफिशियल पार्टनर
2023 तक के लिए बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने. अंडर दिस भारत पे विल बी द चीफ ऑफ और भारत पे विल लीड द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मार्केटिंग ऑफ फॉर आईसीसी इवन फॉर द आईसीसी इवेंट मार्केटिंग टिल 2023. रिसेंटली भारत पे एक्वायर्ड विच कंपनी. एक और क्वेश्चन है, देखो लिंक करना सीखो. रिसेंटली भारत पे एक्वायर्ड विच कंपनी, किस कंपनी को भारत पे ने रिसेंट में एक्वायर किया है. टू पे बैक, आंसर आया पे बैक. सो रिसेंटली पे बैक एक्वायर्ड बाय भारत पे. भारत पे ने पे बैक इंडिया को भी रिसेंटली एक्वायर किया है. रीजन ये है कि जो ऑफलाइन बिजनेस है भारत पे का, वो कस्टमर्स को गेन करना, कस्टमर्स को इंक्रीज करना. अभी चेक करो एक बार, रिफ्रेश कर लो क्विकली, भी ठीक हो जाएगा. रिफ्रेश कर लो. अभी ओके है. Now okay, perfect. If it is okay now, then it is okay. Then Riya Chaudhary she has topped the Times 50 most desirable woman 2020. Second spot pe rahi hain Adeline Castellino from Karnataka. Disha Patani is on third position. Kiara Advani is on fourth position. Deepika Padukone is on fifth position. So ye जो टॉप पोजीशंस पे रही हैं गर्ल्स. नेक्स्ट वन, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड अ मेजर शिफ्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट लिकर पॉलिसी दैट इन द स्टेट वी आर नॉट गोइंग टू प्रोहिबिटेड लिकर कंप्लीटली, इट विल बी ऑन द रिस्ट्रिक्शन साइड. ठीक है, कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन पर होगा ये. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. इट मीन्स द गाइज फ्रॉम आंध्रा, दे विल बी हैप्पी दैट ओके द लिकर इज नॉट गोइंग टू कंप्लीटली बैन इन द स्टेट. दिस इज द रीसेंट डिसीजन टुक बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. रीजन, द चीफ मिनिस्टर टुक लोन ऑफ 10,000 crore रुपी फ्रॉम वेरियस बैंक रिलेटेड अगेंस्ट द लिकर और द बिजनेस ऑफ दिस इन द स्टेट. विशाखापट्टनम इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल, कर्नूल इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूं मैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एंड हेल्थ केयर कंपनी प्रैक्टो हैव जॉइंड हैंड टू प्रोवाइड एग्जिस्टिंग एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज फॉर द बैंक एंड देयर फैमिली मेंबर फैसिलिटी ऑफ प्रैक्टो ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक. कोविड 19 महामारी के दौरान सर बिहार में कंप्लीटली बैन जरूर है, पर सुना है मैंने मिलता सब जगह है, राइट. तो पहले तो इसका आंसर देख लें. करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक. इंडियन बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद प्रैक्टो. सो प्रैक्टो इज गोइंग टू सर्व टू द इंडियन बैंक एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक. हेडक्वार्टर इज चेन्नई एंड पद्माजा चुंद्रू इज द CEO ऑफ इंडियन बैंक. इंडियन बैंक रिसेंटली टाइड अप विद BSNL. Indian Bank started IND Springboard facility in collaboration with IIT Madras Incubation Center. IB eNote facility for completely paperless working environment tied up with Practo. तो ये recent points मैंने आपको बता दिए सर. ठीक है, next question है. Central Pension and Monitoring Committee has approved the construction of how many houses अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में कितने हाउसेस जो है वो अप्रूव किए हैं हाल ही में. सेंट्रल सैंक्शन मॉनिटरिंग कमेटी ने, करेक्ट आंसर इज 3.61 lakh हाउसेस अप्रूव्ड फॉर ए टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग फॉर ऑल इज 7.35 lakh crore. And the fund allocation for the year 2021, budget allocation for the year 2021 is Pradhan Mantri Awas Yojana. So guys, these types of updates will also be there.
These types of update will also be there in my budget course. All such updates we are going to include in our budget course. Budget course. Can I know that budget course will be starting from which date? Kis date se hum start karne wale hain is course ko? Date. What will be the date? And how much amount we should keep for it? Separately, agar kisi ko purchase karna ho budget ka course mera, to kitna amount hona chahiye? Batana zara. Do cheeze aapse janna chahta hu main. Next one. Who has won the Pan Printer Prize 2021? Pan Printer Prize 2021 जो है वो किसने जीता है? 23rd of June correct है सर, बजट का डेट हमारा 23rd of June है. Thank you for अच्छा सबके लिए फ्री होना चाहिए. बिल्कुल 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 बिल्कुल. YouTube पर ही ले आता हूँ ना, फिर मैं एज पर ले जाने का क्या मतलब है कोर्स को. ठीक है, टाइमिंग होगा नून 3 o'clock. ऑलरेडी परचेज 399. ऑसम, थैंक यू. मैं सोच रहा था कि कोर्स का प्राइस बताऊंगा, ऑलरेडी परचेज, सो थैंक्स अ लॉट फॉर इट. चलिए सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच कंट्री इंडिया हैज बिगिन 31st एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इन अंडमान सी. कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इन अंडमान सी. सो करेक्ट आंसर इज थाईलैंड. करेक्ट आंसर इज थाईलैंड. So Thailand coordinated patrol exercise, that is corporate exercise, started from 9th of June in the Andaman Sea. 9th of June se start hua hai Andaman Sea mein. French Defense and Aerospace Thales Group has announced the appointment of whom as the Vice President and the country head of India with the effect from June 1st. Correct answer is Ashish Shroff. Shroff, yaad rakhna, wo Jackie Shroff, Tiger Shroff jo hain, unse koi relation nahi hai inka. He's appointed as the Vice President, the Country Director, India of French Defense Aerospace Thales Group. Next one. To promote the welfare of Anganwadi workers in the state, which state government will equip Anganwadi workers with the smartphone? मतलब राज्य के अंदर राज्य सरकार जो है सर, Anganwadi के जो कर्मचारी हैं उनको smartphone देने वाली है. तो ये जो स्मार्टफोन देने का अनाउंसमेंट किया है, ये किस राज्य सरकार ने किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की सरकार देने वाली है आंगनवाड़ी. ठीक है जी, यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार जो है आंगनवाड़ी के लोगों को, आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे. सो दे विल बी एबल टू वर्क विद द स्मार्टफोन. विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द क्रिएटिंग ऑक्सी वैन ऑफ फॉरेस्ट? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी वैन, एक जंगल बनाने की घोषणा की है? ऑक्सी वैन. तो करेक्ट आंसर हरियाणा. किस कंपनी के स्मार्टफोन मिलेंगे मैं पता करके बताता हूं. किस कंपनी के स्मार्टफोन मिलेंगे? आईफोन दिलवा देते हैं ना, स्मार्टफोन तो आईफोन भी होता है, तो आईफोन की बात कर लेते हैं. योगी जी को बोलते हैं, एक लेटर लिख देते हैं कि सर अब दे ही रहे हो तो आईफोन दे दो. ठीक है, एटलीस्ट 7-8 दे दो, आईफोन 7 दे दो, 6 दे दो, जो भी हो आपका बजट 7-8 दे दो, तो अपन बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इसका आंसर देख ले, ऑक्सी वैन फैसिलिटी स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? हरियाणा. हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है. अंडर दिस द पेंशन अमाउंट ऑफ 2500 रुपी विल बी प्रोवाइडेड इन द नेम ऑफ प्राण वायु देवता. सीनियर सिटीजन दोज आर गोइंग टू टेक केयर अबाउट दीज प्लांट्स इन फॉरेस्ट की या प्लांट्स की जो है इन फॉरेस्ट की और प्लांट्स की जो है जो रक्षा करेंगे, जो ध्यान रखेंगे, उनको 2500 रुपी का पेंशन भी दिया जाएगा. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टॉप द नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्कूल एजुकेशन फॉर द ईयर 2019-20 रिलीज्ड बाय द सेंटर? सर स्कूल एजुकेशन की कैटेगरी में कौन सा स्टेट जो है नेशनल लेवल पर ग्रेडिंग इंडेक्स के मामले में टॉप पर रहा है? तो करेक्ट आंसर है पंजाब. पंजाब वॉज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स. So, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एंड केरला, दे वर ऑन A++ पोजीशन. A++ पोजीशन पर थे सर ये. विच स्टेट टॉप द अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21? अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पोजीशन पर रहा, कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है? तो करेक्ट आंसर इज
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्लाइंब थर्ड पोजीशन, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस था हिमाचल प्रदेश का, दैट इज व्हाई द नेम इज इंपॉर्टेंट, विच स्टेट इज ऑन थर्ड पोजीशन। सो मध्य प्रदेश टॉप, उड़ीसा सेकंड एंड हिमाचल प्रदेश थर्ड। पहले तीन याद रखिएगा, डॉक्टर निपुण जिंदल, डॉक्टर निपुण जिंदल इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट वन, इंडियन नेवी सेट टू रिसीव 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री इन जुलाई 2022। करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन द पायलट बेसिस ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। दो तीन क्वेश्चन बनेंगे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन 5th of June, कब सेलिब्रेट होता है, जून 5th को सेलिब्रेट होता है। सो व्हाट वाज द थीम ऑफ 2021, थीम क्या था 2021 का। सेकंड क्वेश्चन यहां पर बनेगा दैट इथेनॉल ब्लेंडिंग मींस मिक्सिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल, व्हाट इज द टारगेटेड ईयर, टारगेटेड ईयर क्या रखा है। बफरिंग आई थिंक स्टार्ट हो गई, मैं कैम ऑफ कर देता हूं। विच, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021, पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक रीस्टोरेशन, ठीक है इकोनॉमिक, कुछ लोग इकोनॉमिक लिख रहे हैं, इकोसिस्टम लिख रहे हैं, रीस्टोरेशन इकोसिस्टम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल विल बी डन बाय द ईयर 2023 होगा, 25 नहीं है 2023 है, 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुणे। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विच कंट्री वॉज द होस्ट कंट्री, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विच कंट्री वॉज द होस्ट कंट्री, ये भी बता दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया है मैंने। कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस इन द रूल ऑफ कैश विड्रॉल फ्रॉम द ATMs। आराम से पढ़ो फिर आंसर करो। पाकिस्तान, यस पाकिस्तान वॉज द होस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, परफेक्ट, पाकिस्तान वॉज द होस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट, consider the correct statement about the notification of RBI changes in the rule regarding the cash withdrawal from the ATM। इसका आंसर क्या बनेगा सर, interchange fees 5-7 rupees for financial, 15-16 rupees for non-financial transaction with the effect from 1st of August 2021, bank will pay 21 rupees for each ATM withdrawal beyond the free transaction from January 1st 2022 and the directives are issued by section 10 and section 18 of payment and settlement act। ये तो चेंज किया था मैंने, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट नहीं होगा, हाँ नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 करेक्ट है। तो आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड, आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आंसर विल बी सेकेंड एंड थर्ड, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 15-17 rupees चार्ज कर दिया, नॉन फाइनेंशियल के लिए 5-6 rupees। सो ऑप्शन नंबर 1 वॉज रॉन्ग, रिमेनिंग आर करेक्ट। याद रखिएगा सेक्शन 10 एंड सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, अंडर दिस द नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट गाइस, एग्जैक्टली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थर्ड वाला चेंज कर दिया था मैंने, जी बिल्कुल थर्ड वाला चेंज कर दिया था, चेक कर रहा था कि आप लोगों ने ऑप्शन याद तो नहीं किए। सो ऑल दीज डायरेक्शन हैज बीन इश्यूज अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ वन कमेटी, दैट कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर वी जी कनन, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन इन द ईयर 2019 की बात है। वी जी कनन वॉज द चेयरपर्सन, वॉज द सीईओ ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ थे, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। नेक्स्ट वन, Which bank topped the Forbes World Bank list of 2021? Correct answer is DBS Bank. DBS Bank top पर रहा है for the second consecutive year, लगातार दूसरी बार। पीयूष गुप्ता is the CEO, headquarters Singapore. Making banking joyful is the theme, sir. So these are the top banks. Where is ICICI Bank? Third position. Where is SBI? Seventh position. तो ICICI जो है वो आपका third पर है, SBI आपका सेवंथ पर है, एंड HDFC इज ऑन फोर्थ पोजीशन। यूजुअली इन तीन के बारे में कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। सो कवच पर्सनल लोन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड
by which bank for the customers to those are facing the COVID crisis, economic crisis due to the COVID-19 related treatment. Correct answer is, मैं देखता हूं एफसीआई के लिए जी अमन जी, आप जो है हेल्प एट द रेट हॉलीवुड पर एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं एफसीआई के लिए देखता हूं कौन से क्या सेशंस हम ले सकते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कवच पर्सनल लोन, अंडर दिस अप टू 5 लाख रुपी लोन विल बी प्रोवाइडेड, अप टू 5 लाख रुपी लोन विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स एज अ पर्सनल लोन, एज अ पर्सनल लोन फॉर द कोविड 19 रिलेटेड ट्रीटमेंट। Here, two more loans has been announced by Indian Bank Association and State Bank of India, that is 2 crore rupee and 100 crore rupee. 2 crore rupee for setup of oxygen plant and all, oxygen plant वगैरह के लिए, ठीक है, oxygen plant वगैरह के लिए 2 crore रुपए तक का loan, और यहां पर hospital infrastructure, medical infrastructure के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ रुपए का लोन। सो रिमेंबर ऑल थ्री डेटा सर, तीनों के तीनों डेटा। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.5%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एक्वायर्ड पेबैक इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज भारत पे, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एंड भारत पे ऑल्सो कोलॉबरेटेड विथ आईसीसी। Ashneer Grover is the CEO of Bharat Pay and New Delhi is the headquarter. 2018 the company was founded. Recently ICC partnered with Bharat Pay to promote for the digital marketing and the offline marketing, also the venue marketing. Next one, which city has topped in the Global Livability Index 2021 published by Economist Intelligence Unit? So correct answer is Auckland. New Zealand is on top. बॉटम पर है डमास्कस सीरिया। तो टॉप और बॉटम दोनों याद रखें, टॉप एंड बॉटम। नेक्स्ट वन, उखाना खुरलेसुख हैज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर उखाना खुरलेसुख बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। करेक्ट आंसर इज मंगोलिया। उलान बतूर इज द कैपिटल, तोगरोक इज द करेंसी। नेक्स्ट वन, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एमओयू इन द कोऑपरेशन ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स। इंडियन डोमेस्टिक वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट ये प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने एमओयू साइन किया है कुवैत के साथ। सो रिसेंटली इंडिया एंड कुवैत साइंड एमओयू फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स कोऑपरेशन रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ फरारी, विच इज अ इटालियन कंपनी, इटालियन ब्रांड, इटालियन कंपनी है। इसके सीईओ भी कौन अपॉइंट हुए हैं? सो बेनेडेटा विग्ना हैज बीन अपॉइंटेड, ठीक है। देर इज अ प्लेस इन बेंगलुरु, देर इज अ एरिया इन बेंगलुरु कॉल्ड बैनरगट्टा, तो बेनेडेटो वेगना, तो जो बेंगलुरु वाले हैं वो बैनरगट्टा से याद रखें, मिलता जुलता सा नाम है, यू कैन इजिली रिमेंबर, राइट। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड इज द सेकेंड हाइएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बाय ओवरटेकिंग लिनोल मैसी। करेक्ट आंसर इज सुनील छेत्री सर, हु इज नोन एज द कैप्टन फैंटेस्टिक, स्ट्राइक 74 स्कोर्स एंड बिकेम द सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। टॉप पर अभी चल रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो विथ 103 गोल्स के साथ में सर, फर्स्ट पोजीशन पर। नेक्स्ट वन, बुद्धा देव देशगुप्ता पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अ फिल्म मेकर, बंगाली इंडस्ट्री बिलोंग करते थे, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, लॉट्स ऑफ अवार्ड ही हैज वॉन। नेक्स्ट वन, एनडी सिंह पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सो ही वॉज अ बॉक्सिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया, ही वॉज अ बॉक्सिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया, लीजेंड बॉक्सर, गोल्ड मेडल इन 1998 इन एशियन गेम्स इन बैंकॉक। So he belongs to मणिपुर, किस स्टेट को belong करते थे? तो मणिपुर को ये belong करते थे और boxer थे। India forex reserve crossed 600 mark for the first time। India
इज नाउ ऑन विच पोजिशन एज द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? बहुत सिंपल से ऑप्शंस रखे हुए हैं, तो करेक्ट आंसर है फोर्थ। द रैंक ऑफ इंडिया इज फोर्थ, फोर्थ रैंक पर है। टॉप पर कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना, फॉलोड बाय जापान एंड स्विट्जरलैंड। रैंक ऑफ इंडिया इज फोर्थ, रशिया को थोड़ा सा नीचे करते हुए अभी इंडिया फोर्थ पोजिशन पर आया है। Who among the following has become the first woman to head United Nation Conference on the Trade and Development? कौन पहली महिला बनी है United Nation Conference on Trade and Development की? तो करेक्ट आंसर है रिबेका, करेक्ट आंसर है रिबेका ग्रैसपेन, रिबेका ग्रैसपेन। शी हैज बीन अपॉइंटेड, कोस्टा रिकन इकोनॉमिस्ट है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन जनरल ट्रेड के ऊपर, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर इनको अपॉइंट किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। देहिंग पटकई हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द सेवंथ नेशनल पार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सिंपल, मोस्ट सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरआरबी क्लर्क एंड पीयू एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर इज आसाम। बाकी के नेशनल पार्क्स की अगर मैं बात करूं, सो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, दिबुरी, निमारी, राजीव गांधी औरंग एंड वेरी रीसेंट वन रायमोना नेशनल पार्क। सो रायमोना नेशनल पार्क एंड देहिंग पटकई नेशनल पार्क बोथ बिकेम द नेशनल पार्क इन द ईयर 2021। सिक्स्थ एंड सेवंथ नंबर के नेशनल पार्क अनाउंस किए गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर बनेगा। हु हैज नेम्ड एज द एज चीफ डी कैबिनेट और टू लीड यूएन ब्यूरोक्रेसी दिस ईयर? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, के नागराज नायडू सर, के नागराज नायडू सर हैज बीन अपॉइंटेड ऑन दिस पोजिशन, अपॉइंटेड बाय अब्दुल्ला शाहिद, अपॉइंटेड बाय अब्दुल्ला शाहिद, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर है एंड ही विल बी द प्रिंस, ही विल बी द चेयरपर्सन ऑफ 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो डायरेक्टर होंगे 76th सेशन के। हु विल चेयर द ग्रीवेंसेस रीएड्रेसल बोर्ड रिसेंटली फॉर्म्ड डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल? इसको कौन लीड करने वाला है? डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल को लीड कौन करने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी ऑप्शन इज इंपॉर्टेंट। सिकरी पक्का, अर्जुन कुमार सिकरी, एके सिकरी, सोच समझ के आंसर करो। के माधवन हो सकता है क्या? के माधवन हो सकता है, विक्रमजीत सेन हो सकता है क्या? एके सिकरी है। अच्छा, करेक्ट आंसर है एके सिकरी, एके सिकरी। बट ईच एंड एवरी ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स को 2021। ऑन अ डेली बेसिस देयर इज सम कॉन्वर्सेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्विटर बेस्ड ऑन दीज लॉज। रोज अभी चल रहा है कॉन्वर्सेशन, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर फॉर्म्ड, ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको फॉर्म किया गया है अंडर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन न्यू नेम बिकेम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फेडरेशन फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर हो गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। इसके हेड है मिस्टर के माधवन। आफ्टर दिस टू मोर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल, इट इज वन ऑर्गेनाइजेशन। अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल चेयरपर्सन इज जस्टिस एके सिकरी सर, वाइल डीएमसीआरसी चेयरपर्सन इज जस्टिस विक्रमजीत सेन सर, जस्टिस विक्रमजीत सेन सर, एंड अमित अग्रवाल इज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द एग्जामिनेशन। इसको बहुत तरीके से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं। एंड जस्टिस अरुण मिश्रा सर अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, एनएच नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक, नेक्स्ट वन,
एनएचआरसी होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है मैंने उल्टा लिख दिया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा। अरुण मिश्रा सर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करेक्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 5,000 रुपीज टू द आर्टिस्ट दोज आर फेसिंग द फाइनेंशियल ट्रबल ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट 15 करोड़ रुपीज फंड एलोकेशन हैज बीन डन फॉर दिस पर्पस। विच स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद दूरदर्शन टू रन द क्लासेज फ्रॉम 14th of June फॉर द नेक्स्ट 3 months फ्रॉम होम स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 टू क्लास 12 कैन अटेंड द क्लासेस। तो पहली से 12वीं तक की क्लासेस जो है 14 जून से अगले 3 महीने के लिए दूरदर्शन की सहायता से झारखंड स्टेट जो है वो लगाने वाला है। सो झारखंड स्टेट कोलैबोरेटेड विद दूरदर्शन टू रन द क्लासेस ऑनलाइन फ्रॉम 14 जून टिल अनादर नेक्स्ट 3 months। नेक्स्ट वन, वेयान अ विलेज ऑफ बंदीपुरा ऑफ विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री वेयर द एंटायर पॉपुलेशन अबव 18 हैज बीन वैक्सीनेटेड। 18 साल से उम्र के ऊपर हर एक व्यक्ति को COVID-19 वैक्सीनेशन का टीका दिया गया बंदीपुरा जिले के गांव वेयान में। ये गांव किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ये स्थित है यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखें सर, ई निर्माण पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ई निर्माण पोर्टल जो है गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है। ई निर्माण पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज ऑर्गेनाइज्ड समिट ओवर वन अर्थ वन हेल्थ। सो समिट ओवर वन अर्थ वन हेल्थ हैज बीन कंडक्टेड बाय G7। ऑलरेडी हमने G7 के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन कर लिए हैं। हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021-22। करेक्ट आंसर इज मिस्टर अजय पुरी। प्रमोद कुमार मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरपर्सन एंड SP कोचर इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री फॉर द कोरोना पीरियड। करेक्ट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट का नाम गलत है, आइजेक इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर इज इजराइल। तो इजराइल करेक्ट आंसर इज इजराइल। सो इजराइल बिकेम द फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री आफ्टर 15th of June। और नफ्ताली बेनेट हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। Who has been appointed as the ambassador of biotechnology company MyLab Discovery Solution recently? Correct answer is Mr. Akshay Kumar has been appointed. And the same day, the company has launched CoviSelf, that is the self-testing kit of COVID-19. Ghar Ghar Ration program for the employment from the employment funded scheme. Launched by which of the following bank? घर घर राशन योजना किस बैंक के कर्मचारियों ने अपनी सैलरी डोनेट करके स्टार्ट किया है अपने बैंक के कस्टमर्स के लिए? तो करेक्ट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। COS वी विद्यानाथन मुंबई इज द हेडक्वार्टर। 2015 द बैंक वॉज फाउंडेड। लास्ट फ्यू क्वेश्चन आर रिमेनिंग, ओनली 4-5 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। Which of the following state government presented own version of भारत रत्न पद्म अवार्ड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो आसाम गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट भारत रत्न आसाम विभूषण आसाम भूषण आसाम श्री अवार्ड। सो आसाम रत्न 5 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख रुपी विल बी द अवार्ड मनी रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कोर्स ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021? करेक्ट आंसर इज 67th। इंडिया का रैंक रहा है 67th। विच कंट्री इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा देश टॉप पर रहा है ग्लोबल स्किल के मामले में? करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड इज ऑन टॉप। 67th इज द रैंक ऑफ इंडिया। UN जनरल असेंबली हैज अप्रूव्ड डिक्लेयरिंग कॉलिंग अर्जेंट एक्शन टू एंड एड्स बाय द एंड ऑफ विच ईयर? एड्स को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में एक मंजूरी दी जिसमें कहा गया दैट एड्स विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द ईयर और पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा बाय द ईयर 2030। गाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज डिटेल्स। ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द PDF इन TNA। TNA में ये डेटा आपके साथ शेयर कर चुका हूं, वहां से एक बार रिवाइज जरूर करते रहेंगे।
युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया है। सेम स्टेट हैज लॉन्च्ड वन ट्री प्लांटेशन कैंपेन, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ट्री प्लांटेशन कैंपेन, इसी राज्य ने एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन और स्कीम भी लॉन्च की है, उसका नाम क्या रखा गया है। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है और इसी सरकार ने अभी हाल ही में अंकुर स्कीम लॉन्च की थी, बहुत बढ़िया। सो सेम स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अंकुर स्कीम विच इज अ ट्री प्लांटेशन स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉडी रिसेंटली अपॉइंटेड मुकेश शर्मा अ फैकल्टी ऑफ IIT कानपुर एज अ ऑनररी मेंबर, तो हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने IIT कानपुर के फैकल्टी मुकेश शर्मा जी को सदस्य के रूप में मान्यता दी। तो करेक्ट आंसर है WHO, WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य इनको बनाया गया। ही बिकेम द मेंबर ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ WHO। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नाइट फ्रैंक रिपोर्ट ऑन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2021, क्वार्टर वन ऑफ 2021। इंडिया का क्या रैंक रहा है नाइट फ्रैंक के अकॉर्डिंग? सो इंडिया 12 स्पॉट नीचे आ गया है खिसक कर, फ्रॉम 43rd पोजीशन टू 55th पोजीशन, 43rd से गिरकर 55th पोजीशन पर आ गया है। आउट ऑफ 56 कंट्री द रैंक ऑफ इंडिया इज 55th एंड टर्की इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स। कौन सा कंट्री टॉप पर है? टर्की इज ऑन टॉप इन दिस इंडेक्स। व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन इन मे 2021? वेरी अपडेटेड, वेरी रीसेंट क्वेश्चन। What is the retail inflation in May 2021? So retail inflation jo hai, that is 6.3%. 6.3% is the retail inflation, while the wholesale inflation is 12.94%. This is the index of WPI. Agar WPI puch lega May ka, to answer ho jayega aapka 12.94%, very near to 13%. 9.3% is the fiscal deficit. 9.3% is the fiscal deficit. Revenue deficit is 7.4%. और सारा डेटा मैंने कई बार रिवाइज करवाया हुआ आप लोगों को। Who has won man single title French Open 2021? Novak Djokovic won man single. Who has won woman single title at French Open? You know this thing, French Open से question जरूर बनेगा एग्जाम में, मतलब पक्का है, कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपसे फ्रेंच ओपन से आएगा। सो बारबोरा फ्रॉम चेक रिपब्लिक वॉन वुमेन सिंगल, आफ्टर दैट मैन सिंगल, मैंस डबल की बात करें तो पैरी निकोलस, वुमेन्स डबल बारबोरा कैटरीना, मिक्स डबल डिजायरे एंड जियो हैज वॉन द मिक्स डबल। तो विनर्स का पूरा लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बिहार हैज एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ GI सर्टिफिकेटेड GI सर्टिफिकेट जर्दालू मैंगोज। तो दैट जर्दालू मैंगोज रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को खिलाए जा रहे हैं हमारे बिहार के आम। बिलीव व्हाट लाइफ क्रिकेट टॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हूम? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो करेक्ट आंसर है सर सुरेश रैना जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। ट्राउज़ द बजट 3.0 विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम 23rd ऑफ जून। टाइमिंग विल बी 3 PM एट नून। ठीक है, टाइमिंग होगा PM 3। ठीक है, 3 PM पर हमारा क्लास रखा जाएगा, ताकि जो नून टाइम आप लोग सो जाते थे, व्हेन यू गाइस टेक प्रॉपर ऑन द नेम ऑफ पावर नैप, यू आर टेकिंग द प्रॉपर स्लीप, सो वो आपका बंद हो जाए। 3 PM पर आपका क्लास होगा सर, 3 PM पर क्लास होगा। इसका जो प्राइसिंग है सर, कॉस्टिंग है, इफ यू आर अ एज स्टूडेंट देन नो इश्यू, एज वालों के लिए ये इंक्लूडेड होगा, बट इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब इट। एट विच कॉस्ट? कैन समवन टेल मी एट विच कॉस्ट यू कैन सब्सक्राइब इट? एक घंटा कब चला गया पता नहीं चला। बस ऐसे ही होने वाला है। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट। फ्राइडे का PDF अपलोड कर दूंगा मैं, फ्राइडे का PDF अपलोड कर दूंगा मैं। आई वॉज सेइंग दैट नाउ देयर इज अ ऑप्शन टू बाय दिस कोर्स सेपरेटली, कि आप सिर्फ इस कोर्स को सेपरेटली परचेस कर सकते हैं। यू कैन बाय दिस कोर्स एट द कॉस्ट ऑफ 399। ठीक है, 399 का, 99 नहीं होगा भाई, इतना मेरा प्राइस इतना कम मत करो,
399 विल बी द अमाउंट ऑफ दिस। एच पर तो रहेगा, एच सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, चलो सर। सो इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज लुकिंग फॉर इट, इवन यू कैन सजेस्ट फ्रॉम योर साइड कि बजट से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स जरूर से ले लो, 399 का कोर्स है। एक पिज्जा कम खा लेना एक महीने में, एक 399 का कोर्स ले लो, तो बता देना बाकी सबको। आई विल मीट यू नाउ गाइस ऑन मंडे मॉर्निंग इन TNA। मंडे मॉर्निंग TNA में मैं आपसे मिलूंगा। टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑल अबोर्ड। जय हिंद। हाय ऑल, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड विद कॉन्फिडेंस? ऑल अबोर्ड हैज कम अप विद अ न्यू स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। At the end of the course, you will be able to converse in English fluently and with confidence. Also, you will be able to fix common pronunciation errors and pronounce words accurately. This course also includes vocabulary module, which will help you learn new daily usage, very important words. Lastly, you will be able to face interview panel with more and more confidence. So enroll now. Spoken English course, all aboard. Hi guys, we are coming up with a brand new course for the MBA aspirants who are going to appear in the Maharashtra CET examination 2021. This is not just a simple course, but a comprehensive course ensuring your success. There will be a special focus on abstract reasoning, complete coverage of the reading comprehension, all-round explanation of the quantitative aptitude concepts. What's more, you get concept videos and a two-way interaction with the faculties with the help of live classes, plus a meticulous analysis of areas of improvement with each mock test that you attempt. Join today. Olive Boards MAH MBA CET 2021.